गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं जो नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय आपको पढ़ा रही थी, उसमें मैंने लास्ट अपना जो टॉपिक था वो मैंने बताया था कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का, नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या है। जो हमारे अनेक विषय विशेषज्ञ हुए उनके अनुसार मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब इस वीडियो में मैं आपको इसकी जो प्रकृति है, नेचर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब हम किसी पर कार्य करते हैं किसी तरह, तो वो हमारे एक नेचर कहते हैं, प्रकृति पर आधारित होकर कार्य करते हैं। क्योंकि सबका अपना नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो ये वही हम उस विषय के स्वभाव की बात कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकृति के आधार पर ये कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय की प्रकृति का वर्णन कीजिए। या हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि नागरिक शास्त्र के कला व विज्ञान है, इस बात का प्रमाण दीजिए या इसे स्पष्ट कीजिए। तो उस आधार पर हम इन दोनों पक्षों का इसमें वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हमारी जो नागरिक शास्त्र विषय है, नागरिक शास्त्र की दो प्रकृति होती हैं। प्रथम हम देखें, इसको विज्ञान भी माना जाता है। सेकंड है कला, यानी कि हम इसे विज्ञान भी मानते हैं। कुछ विषय विशेषज्ञ, कुछ वैज्ञानिक, उन्होंने इसे विज्ञान माना और कुछ ने इन्हें कला माना। और साथ में विज्ञान मानने के भी दो इसमें पहलू थे। किसी ने ये कहा कि विज्ञान हम इसे मान सकते हैं, और किसी ने कहा कि हम इसे विज्ञान नहीं मान सकते। यानी कि उन्होंने ना तो किसे कला माना और ना ही इसे विज्ञान माना। तो इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि नागरिक की जो नागरिक शास्त्र की प्रकृति क्या है। नागरिक शास्त्र की हमारी विज्ञान और कला, नागरिक शास्त्र की प्रकृति। नागरिक शास्त्र की प्रकृति तो दो हो गए इसमें, विज्ञान एवं कला। अब हम ये देखते हैं कि जब हमने इसे विज्ञान माना है, नागरिक शास्त्र को हम विज्ञान मानते हैं या विज्ञान नहीं मानते हैं, इसे देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर विज्ञान क्या होता है, किसे हम विज्ञान कहते हैं। सामान्यतः हम विज्ञान किसे कहते हैं, किसी विषय को क्रमबद्ध, जो हम ज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को, यानी कि विज्ञान क्या है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जिसे हम क्रमबद्धित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के लिए हम क्या करते हैं कि जो उसके लिए अवेलेबल हो या उसके लिए उपयोगी हो, हम उस चीज का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करके हम उनका वर्गीकरण करते हैं तथा उनके हम कार्य, कारण और संबंधों का हम इन सब का पता करते हैं। साथ में हम उनके जो सामान्य नियम होते हैं, हम उनकी भी जानकारी करते हैं। तो ये हमारा सामान्यतः विज्ञान होता है, इसको हम विज्ञान कहेंगे। अब हम इसकी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक हुए कार, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक विज्ञान के प्रति एक धारणा है। प्रत्येक विज्ञान के प्रति किसने लिखी थी, ये कार ने लिखी थी कि प्रत्येक विषय के, यानी जो भी हम, प्रत्येक जो हमारा, प्रत्येक विज्ञान जो होता है जगत के प्रति, प्रत्येक विज्ञान क्या करता है, उसके पीछे, प्रत्येक विज्ञान के, जगत के पीछे कोई ना कोई धारणा होती है। प्रत्येक विज्ञान जगत के प्रति धारणा, यानी कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, एक धारणा, एक दृष्टिकोण होता है, वो व्यवस्था
दृष्टिकोण, दृष्टिकोण होता है, फिर हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो एक व्यवस्थित दृष्टिगोचर, या हम उसे कहें कि हम वो जो व्यवस्थित स्वरूप और अन्वेषण पद्धति है, व्यवस्थित दृष्टिगोचर, व्यवस्थित दृष्टिगोचर वह अन्वेषण पद्धति है, इसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कि ये विज्ञान होता है जिसके पीछे कोई धारणा होती है, धारणा के साथ साथ हम उसको क्या करते हैं, एक व्यवस्थित ज्ञान तथा उसका स्वरूप जो होता है वो हमारा एक अन्वेषण पद्धति के माध्यम से हम उसके बारे में पता करते हैं कि आखिर ये विज्ञान क्या है। तो ये सबसे पहले ये तर्क हुआ हमारा कि इस विषय के बारे में आखिरकार विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमने जाना। सामान्य शब्द में हमने देखा कि विज्ञान किसी भी विषय का एक व्यवस्थित क्रमिक ज्ञान होता है, और कोर ने भी हमारे जो कार हुए उन्होंने भी ये डेफिनेशन लिखी है इसकी कि प्रत्येक विज्ञान जगत के प्रति एक धारणा, एक दृष्टिकोण, व्यवस्थित ज्ञान का स्वरूप तथा अन्वेषण पद्धति है, और यही क्या होता है, विज्ञान होता है। साथ में दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक थे कार्ल पियर्स, उन्होंने भी कहा है कि विज्ञान, विज्ञान एकमात्र पहचान उसकी है जो अध्ययन प्रणाली से होती है, ना कि उसकी अध्ययन समाप्ति पर या अध्ययन सामग्री पर। यानी कि वो ये कहता है कि जो हम उसकी प्रणाली बनाते हैं हम, कि किस तरीके से हमें सिस्टम, उसके सिस्टम पर आधारित होती है, क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि जो हम सिस्टम करते हैं उस सिस्टम के आधार पर ही हम सभी चीजों का चयन करते हैं। वो सिस्टम हम क्यों बनाते हैं, उसे सुचारू रूप से, क्रमबद्ध रूप से, उसे नियोजित करने के लिए, उसे प्रारंभ करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, उस प्रणाली का गठन करते हैं कि किस तरीके से हमें उसे आयोजित करनी है। तो इसमें बताया कि एक प्रणाली होती है, ना कि कोई अध्ययन सामग्री, ये हमारे पियर्स ने कही थी। अब मैं एक आगे चलते हैं हम, इसकी प्रकृति मैंने बताई कि विज्ञान और कला। अब विज्ञान के रूप में जो हमारे, जो इसके शिक्षा हमारे विषय विशेषज्ञ थे पुतांबरकर, उन्होंने कहा है, पुतांबरकर जी ने इसमें जो इनकी परिभाषा दी है, उस परिभाषा के अंदर उन्होंने एक बात कही है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का, नागरिक शास्त्र नागरिक का, यानी नागरिक शास्त्र क्या हो गया, हमारा विषय हो गया। इन्होंने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान, यानी कि वो क्या है, विज्ञान भी है और विज्ञान तथा दर्शन है, विज्ञान तथा दर्शन है। ये हमारे जो पुतांबरकर जी थे उन्होंने ये बात कही है कि हमारा जो नागरिक शास्त्र है वो नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन होता है। यानी कि नागरिक जो हम समाज में, जो हम सभ्य नागरिक कहते हैं, जिसे हमने कही थी कि नागरिकता कौन, नागरिक विषय कौन है, जो एक व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है, तो उसी के लिए कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है, कि उसे किस तरीके से वो अच्छा बनाए, ये उसकी देन है। दूसरी हमारी डेफिनेशन है, लॉर्ड ब्राइस ने कही है कि नागरिक शास्त्र वैसा ही विज्ञान है, नागरिक शास्त्र वैसा ही विज्ञान है, कैसा विज्ञान है, वैसा ही विज्ञान है जैसा कि अंतरिक्ष विज्ञान है, जैसा कि अंतरिक्ष विज्ञान है। यानी इन्होंने जो नागरिक शास्त्र को विज्ञान माना है वो किस तरीके से माना, इन्होंने माना है कि जिस तरह से हम जो अंतरिक्ष विज्ञान है कि हम आकाश में जो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें आकाश में हमारे अंतरिक्ष छोड़े गए थे, उस रिसर्च के उसी के आधार पर वैसा ही विज्ञान ये नागरिक शास्त्र को भी मानते हैं। यानी कि सबके अपने अपने
अलग अलग विचार थे। इन्होंने अपने जो विचार बताया कि नागरिक शास्त्रों ने किस विज्ञान की श्रेणी दी, तो उन्होंने ऐसा विज्ञान बताया कि जिस तरीके से अंतरिक्ष एक विज्ञान था, उसी तरीके का विज्ञान हमारा एक नागरिक शास्त्र भी विज्ञान है। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि जो विज्ञान माना है उसे किस आधार पर, किस तर्क के आधार पर हमारे जो इस शिक्षाविद हुए, जो विषय विशेषज्ञ हुए, उन्होंने किस तरीके से इसे एक विज्ञान माना है, उसके रूप में हम जो तर्क है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहा है कि जो हमारा नागरिक शास्त्र हमारा विज्ञान क्यों है, क्योंकि यह एक सुनियोजित, और क्या है ये, यानी विज्ञान है तो ज्ञान का क्या करते हैं हम, सुनियोजित होना और व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। नागरिक शास्त्र को अगर हमें ज्ञान के रूप में, व्यवस्थित रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या है, हमारा विज्ञान है। यानी उन्होंने बताया है कि जब हमने इसे क्रमबद्धित रूप में, हमने सुव्यवस्थित रूप में हमने इसे नियोजित किया है व्यवस्थित तौर पर, तो ये क्या है, हमारा विज्ञान है। अगर क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जिसको भी हम ज्ञान दें वो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, तो वही इसमें बताया है। सेकंड है हमारा कि इसके लिए हम नियम और सिद्धांतों की सत्यता होना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत हम जो अनेक नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, जो हम उनका प्रतिपादन करते हैं, उनकी सहायता से हमें इस विषय के प्रति कोई संदेह नहीं होते। हम मानते हैं कि हम जो नियम और सिद्धांत बनाते हैं वो नियम और सिद्धांत बनाने का हमारा यही एकमात्र कारण होता है कि उसके पीछे कोई तर्क वितर्क ना हो, उसमें क्यों, कैसे, कब, इन प्रश्नवाचक चिन्हों की उसमें कहीं भी जगह ना हो। इसीलिए हम उन नियम और सिद्धांतों को बनाते हैं और उसके आधार पर हम उसे कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसमें बताया कि नागरिक शास्त्र में जहां हमारे नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन है, इसीलिए इस विषय के प्रति कोई संदेह नहीं है। थर्ड है हमारा कि एक आदर्श विज्ञान है। कैसा विज्ञान है ये हमारा, एक आदर्श विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो हमारे सामाजिक हित की दृष्टि से और जो हमारे आदर्श, जो हमारे मापदंड होते हैं उनको ये प्रस्तुत करता है। मैंने बताया था कि नागरिकता, जहाँ हम इस देश से इस देश में रहते हैं, यानी कि जब हम एक सभ्य नागरिक बन रहे हैं, तो वहाँ हमें उन सब चीजों को माननी होती है जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हितकारी होता है। तो इसीलिए ये क्या करता है, एक सामाजिक हित की दृष्टि रखते हुए हम इसका, इस पर कार्य करते हैं। फिर है हमारा इसमें सामाजिक विज्ञान। मनुष्य यानी नागरिक कौन है, मनुष्य, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में इसमें अध्ययन करता है, क्योंकि वो एक सामाजिक है। क्योंकि ये नागरिकता में हमने देखा है इसमें मनुष्य यानी व्यक्ति के सारे कर्तव्य निहित होते हैं, तो वो जो कर्तव्य किससे रिलेटेड होते हैं, उसके समाज से, और वो एक सामाजिक प्राणी होता है, इसीलिए वो उन सारे हितों को पूरा करता है जो एक समाज के लिए उपयोगी होता है, उन सभी हितों का इसमें समावेश होता है। फिर है विधियां वैज्ञानिक, यानी कि हम जो नागरिक शास्त्र में हम जिन विधियों को प्रयुक्त करते हैं, उन वो विधियां हमारी पूर्णतः वैज्ञानिक होती हैं। जैसे हम कहें कि हम निरीक्षण करते हैं, किसी चीज का हम प्रयोग करके देते हैं, पर्यवेक्षण किया जाता है, ये सब विधियां जो होती हैं, ये वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत आती है, जिसे हम वैज्ञानिक विधियां कहेंगे। इनके रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है, हमें इसके बारे में बताया जाता है कि हम किस तरीके से इसे आगे कार्य कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि ये एक वैज्ञानिक विधि के रूप में भी है। अब देखो ये तो हमारे साथ में, इसके साथ लास्ट है कि भूतकाल के आधार पर भविष्य की योजना बनाते हैं, जो हमारा, इसके लिए कहते हैं कि हमारा जो नागरिक शास्त्र है ये हमारे पहले भूतकाल के जो हमारे प्रीवियस जो नॉलेज होती है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, उसी के आधार पर उसे प्रस्तुत करने की हमारी संभावनाएं होती हैं। इसीलिए जो अपनी प्री प्लानिंग होती है वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ये अपनी योजना बनाता है। तो ये तो हमारे इसके संबंध में विज्ञान तर्क था कि हमारी जो नागरिक शास्त्र
विषय है वो एक वैज्ञानिक है, या हम कहें कि नागरिक शास्त्र हमारा विज्ञान है। अब दूसरा पक्ष आता है कि कुछ वैज्ञानिक इसे विज्ञान ना मानकर क्या मानते हैं, ना तो उसे कला मानते हैं ना ही उसे विज्ञान मानते हैं। अब उसे क्यों मानते हैं इसे कि इसे यह विज्ञान नहीं है, तो सर्वप्रथम उसका पॉइंट आता है कि नागरिक शास्त्र के तथ्यों पर मैत्री के अभाव, यानी कि उनके आपस के मतभेद जो होते हैं। हम देखें कि हम हमारे लोकतंत्र प्रणाली को हम अधिक अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे जो शिक्षाविद हुए या हमारे जो विद्वान हुए उन्होंने इस विधि को, जो लोकतांत्रिक पद्धति हम अपना रहे हैं, इसे अच्छा न मानकर वो क्या करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो हमारी तानाशाही या हम कहें कि लीडरशिप, वो इसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। लोकतंत्र प्रणाली के लिए वो ये कहते हैं कि इसमें भार ज्यादा हो जाता है, सभी के मतों में अभाव होता है, सबके मत को लेकर एक साथ कार्य नहीं करते। इसीलिए नागरिक शास्त्र में जब हम इस चीज को मानते हैं तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि नागरिक शास्त्र विषय के लिए तर्क दिया हुआ है कि नागरिक शास्त्र का यह तथ्य हमारे लोकतंत्र शासन प्रणाली के लिए श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा इनका मत है। ये नहीं मानते इस चीज को, लेकिन इसे खराब मानते हैं। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, इनको ये अच्छा मानते हैं, यानी कि सबका अपने विचार है, यानी कि सबके मैत्री के अभाव, सबके विचारों में आपसी मतभेद। सेकंड है कार्य कारण संबंध का अभाव, कार्य कारण संबंध के अभाव के में कहते हैं कि जो हमारा भौतिक और रसायन विज्ञान में जो कार्य तथा कारणों का संबंध पाया जाता है वो संबंध हमारे इस विषय में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके लिए कहते हैं जो हमारे नागरिक के जीवन में जो घटनाएं जो घटित होती हैं उनका संबंध किसी से पाया जाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हम जिस तरीके से यहाँ भौतिक में रसायन में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ किसी कारणों का आपस में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये इसका कोई स्पष्ट हमारा इसका खोज करना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि इस कार्य में, इस कार्य को करने के पीछे क्या कारण है। इसीलिए इसे विज्ञान नहीं मानते कि इसमें कार्य और कारण का अभाव होता है। साथ में इसमें ये कहा गया तीसरा पॉइंट कि पर्यवेक्षण और परीक्षण का भी इसमें अभाव होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान में इनमें हम एक प्रयोगशाला और हम बैठकर वहां यंत्रों के माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिक शास्त्र का हम जो प्रयोग करके देखें उसके लिए हमारे पास ऐसी कोई प्रयोगशाला उपस्थित नहीं है, या हम कहें कि ऐसे हमारे पास कोई यंत्र नहीं है जिनके माध्यम से हम एक निष्पक्ष स्पष्ट तरीके से हम उसका परीक्षण कर सके, इस चीज का हमारा इसमें अभाव दिखाई देता है। तो ये हमारा इसके लिए था कि हम इसे किस तरीके से विज्ञान नहीं मानते हैं। अब सेकंड हमारा पार्ट था हमारा कला का, कि हम इसे कला मानते हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक इसे क्या मानते हैं, कला मानते हैं। ये हम मानते हैं जैसे शिक्षक होता है जब प्रशिक्षण लेता है वो एक विज्ञान के तौर पर प्रशिक्षण लेता है, लेकिन जब उसका प्रयोग करता है तो वो एक कला के रूप में करता है। तो इसके लिए भी यही कहा जाता है कि जब हम इसका जो गठित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, वो पक्ष हमारा इसका विज्ञान है, लेकिन जब हम उसे प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, वो व्यवहार में लाना हमारी एक कला होती है। यानी कि हम कार्य करना तो सीखते हैं, लेकिन उस कार्य को हम प्रस्तुत किस तरीके से करते हैं ये हमारी कला होती है। कि जैसे शिक्षक होते हैं, शिक्षक की पढ़ाने की एक कला होती है, वो प्रशिक्षण हम देखते हैं कि बीएड में हम हजारों लाखों स्टूडेंट को हम प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन अगर हम कहें उन्हीं स्टूडेंटों में से कोई एक शिक्षक या दो शिक्षक ऐसे बन के जाते हैं जिनमें की इस कला का एक हुनर होता है, तो वही चीज कह रहे हैं कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग करना होता है वो हमारी कला होती है। इसमें इसके अगर हम इसे समझे कि कला क्या है, तो हम कह सकते हैं अर्जित ज्ञान को, कला का अर्थ, कला का अर्थ अर्जित ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करना, ये कला होती है कि किस तरीके से हम उसे प्रयोग
करते हैं। इसके लिए टॉलस्टॉय जी ने एक परिभाषा लिखी थी कि कला एक मानवीय प्रयास होता है, उसके खुद के यानी कि मनुष्य का खुद का प्रयास होता है, जिससे मानव अपनी उन भावनाओं का जिनका उसने अपने जीवन में साक्षात्कार किया है, उन ज्ञान पूर्वक उन संकेतों को वो स्पष्ट करता है और साथ में उन भावनाओं का वो दूसरों पर भी प्रभाव छोड़ता है या उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम उस कार्य को प्रयोग में लेते हैं, वो कला जो हमारे अंदर होती है, क्यों हम किसी से प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो उनकी कला से प्रेरित होते हैं, हम उनके कार्य से प्रेरित होते हैं, उनके कार्य करने के तरीकों से प्रेरित होते हैं। तो बच्चों यही हमारी एक कला है, इसीलिए नागरिक शास्त्र को जहाँ विज्ञान माना है तो उसके साथ साथ हमने इसको कला भी मानी है। इसके लिए जो हम नियम और सिद्धांत बनाते हैं उनको हम अपने आचरण में किस तरीके से ढालते हैं, किस तरीके से हम उनका प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करना हमारी एक कला होती है। और उसी तरीके से हम इनको समझते हैं कि जब नागरिक शास्त्र का हम आचरण करने पर हम बल देते हैं तब हमारी वो एक कला होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन दोनों तरीकों पर हमने जो विवेचना की है, जो उपयुक्त हमने विवेचना की है, किस तरीके से कला है और किस तरीके से विज्ञान है, तो हम मानते हैं कि जो हमारा सामाजिक है वो आदर्श के संदर्भ है, वो हमारा एक कला है जिसका हम प्रयोग करते हैं और जिसे हम व्यवस्थित करते हैं सुचारू रूप से प्रयोग में लेने के लिए, वो हमारा एक विज्ञान होता है। तो ये था हमारा जो हमारे नागरिक शास्त्र विषय के संबंध में इसके कला और विज्ञान के बारे में अध्ययन। धन्यवाद।